नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे दीपक यूनाइटेड शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में, आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसे अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू को निकालना होता है तो उसके लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होता है। उसके हिसाब से हमें अंदाजित वैल्यू मिल सकती है, जैसे कंपनी ने भाई कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना नुकसान किया है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होता है, जो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कंपनी की जो जनरल चीज़ें वो सब दी हुई है, जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव को दिया गया है। तो अगर हम 29 अप्रैल 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 273 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 5 सालों के बाद इस वैल्यू को देखें तो ये 273 से बढ़ के हो गई है 2477 रुपये के आसपास, और ये मैक्सिमम गई है 3000 रुपये के आसपास। तो अगर लगभग देखें तो कंपनी ने भाई पिछले 5 सालों में लगभग 10 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। 277 रुपये पर ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू 2024 तक 3000 रुपये तक चली गई है, जो कि यार ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक प्लस पॉइंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, यहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे, तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। अब हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 2715 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी और 173 करोड़ की नेट इनकम बन रही थी 2019 में। अगर 2023 को देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2000 से बढ़ के हो गया 8000, और नेट इनकम 173 से बढ़ के हो गई है 852। तो जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हो भाई, कितनी अच्छी प्रोग्रेस कंपनी ने की है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग भी रही हुई है। तो हमें एक प्लस वन टोन मिल चुका है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। इसके बाद हमें देखना होगा कंपनी के पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है, जैसे कंपनी के इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कंपनी के एसेट्स हो गए, कंपनी के ऑफिस वगैरह हो गई। तो अगर हम 2019 में देखें तो जो इनकी वैल्यू है कंपनी के एसेट्स की, वो 2935 करोड़ रही हुई थी, और अगर 2023 में देखें तो 2900 से बढ़ के हो गई है 5129 करोड़ के आसपास। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा संकेत है। कंपनी अगर अपने एसेट्स को लगातार बढ़ा रही है इतनी अच्छी तरह से, तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, और कंपनी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना सकेगी आने वाले सालों में। अब हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्योंकि आज जैसा कि हमने देखा कंपनी अच्छा नेट इनकम भी बना रही है, अच्छी तरह से अपनी संपत्ति को भी बढ़ा रही है, पर क्या इसका जो फ़ायदा है निवेशकों को मिल रहा है? नहीं, कंपनी अपने निवेशकों को किसी भी प्रकार का डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो अगर हम 2023 में देखें तो कंपनी ने 7.50 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया था 2023 में, 22 में भी दिया, 21 में दो बार कंपनी ने डिविडेंड दिया, और 20 में भी दिया। मतलब कंपनी जो पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड दिया, जो कि एक अच्छा संकेत है, और ये निवेशकों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो वह कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो अभी हमें एक प्लस पॉइंट और मिल चुका है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी तक हमें प्लस पॉइंट मिला है, अभी तक एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिला, तो चलिए आगे देखते हैं, हमें शायद कोई माइनस पॉइंट मिल जाए। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम सबसे पहले देखें टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग, कंपनी ने अपने शेयर की 49% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इसमें से किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी ने अपने पास में ही रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है इसमें निवेश करने का। उसके बाद म्यूचुअल फंड के द्वारा 9% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 10% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। उसके बाद विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 6.72% की होल्डिंग एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 24% की होल्डिंग, और जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, 24% ज़्यादा मात्रा नहीं कही जा सकती लगभग, तो इसको भी एक अच्छा संकेत गिन सकते हैं। तो दोस्तों जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जो हमें एक प्लस पॉइंट ऐड करना रहेगा। तो हमने एक प्लस पॉइंट और ऐड कर दिया है। उसके बाद हम कंपनी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी, भाई कंपनी कौन कौन सेक्टर में काम कर रही है, और कंपनी की जो शुरुआत हुई है कब हुई थी, ये एक शॉर्ट में अपनी जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है 9 मार्च 1970 के आसपास हुई थी, ठीक है। उस समय जो कुछ ही प्रोडक्ट्स में काम कर रही थी, पर समय के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी ने जो है आज के समय में 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है, और अगर इसके अलावा देखें कंपनी के साथ मिलकर 50 से भी ज़्यादा Fortune 500 में रही हुई कंपनी काम कर रही है, जिसमें इंडियन ऑयल शामिल है, सन केमिकल आ गया, एजर आ गया, BASF, रिलायंस, ईस्टमैन वगैरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि ये कंपनी में निवेश करने का अच्छा संकेत है। कंपनी के जो है 700 से भी ज़्यादा हैप्पी और रिपीटेड कस्टमर रहे हुए हैं, कंपनी 34 से भी ज़्यादा देशों में उपलब्ध रही हुई है। तो दोस्तों कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ये जो चीज़ें है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी जानकारी और ले तो कंपनी की जो है एक्सपर्टीज़ भी रही हुई है, क्योंकि कंपनी इतने सालों से काम कर रही है इस सेक्टर में,
तो कंपनी जो हाइड्रोजिनेशन, नाइट्रेशन, डायोजिनेशन, अल्कोइनेशन, ऑक्सीडेशन और क्लोरीनेशन वगैरह में जो है कंपनी एक्सपर्टीज रही हुई है, जिसमें कंपनी मार्केट में अपना एक नाम भी रखती है। और कंपनी की जो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दर्शाई गई है, कंपनी इन प्रोडक्ट्स में काम करती है जिसमें ये भी शामिल है। और कंपनी जिन सेक्टर को अपनी सर्विसेज को देती है अपनी प्रोडक्ट्स को जो यूज़ करने के लिए, वो सेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर हम प्लस वन माइनस वन की बात करें तो इसमें हमें जो है 5 प्लस वन देखने मिले, एक भी माइनस वन देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।